अब ये दूध बॉईल हो गया है तो हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे और 2 मिनट इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। मैं यहाँ पे 3 लीटर मिल्क यूज कर रही हूँ, जिसके लिए 3 स्पून सिंथेटिक विनेगर है। 3 स्पून सिंथेटिक विनेगर मैंने लिया है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। अभी ये थोड़ा ठंडा हो गया, अब इसमें हम लोग विनेगर डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे और उसको स्पून से थोड़ा चलाएंगे। एक बार में सारा नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। मिक्स करेंगे और अब धीरे धीरे वो मिल्क जो है वो छेना बनने लगेगा और पानी ग्रीन हो जाएगा और मिल्क। ऐसा हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। अब एक बॉल में कॉटन इसको छान लेंगे, छान लेंगे और फिर ये पानी को अलग करके इसमें ठंडा पानी से इसको धो लेंगे। अब इसको ठंडे पानी से 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे, जिससे क्या है अपना विनेगर या लेमन का टेस्ट निकल जाएगा। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको अच्छे से बांध कर इसको कहीं पर बांध ऐसा बांध देंगे। 1 घंटे के लिए ऐसे हम लोग इसको टांग के रख देंगे ताकि इसके सारी जो पानी है वो निकल जाए। 1 घंटे के बाद ये पूरा इसका पानी निकल गया है। अब इसको हम लोग एक प्लेट में लेकर अच्छे से मस लेंगे अपने पाम से। इसको अच्छे से ऐसा ऐसा करके कर अराउंड 10 मिनट्स हम लोग इसको मस लेंगे। हमें तब तक इसको मसलना है जब तक आपको लगने लगेगा कि आपके हाथ में ऑयल जैसा आ रहा है। उसके बाद आपको ये मसलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर ऑयल आ रहा है तो ये परफेक्ट अपना रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको अब एक हाथ में पीस लेकर उसको पहले हाथ से ऐसा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको हम लोग रोल करेंगे और ध्यान रहे कि एक भी क्रैक नहीं है ऊपर। अगर आता बहुत हल्के हाथ से नीचे और इसके ऊपर के बीच में प्रेस करके हल्के हाथों से इसको ऐसा रोल करें, जिससे आप देखिएगा एक भी क्रैक नहीं आएगा और इसको शेप दे देंगे हम लोग। ऐसा हम लोग छेना बॉल बना लिए हैं। अब एक अलग बर्तन में 1 कप शुगर, 4 कप पानी लेकर हम लोग इसका चाशनी बनाएंगे। अब इसको गर्म करेंगे। जब शुगर अपना सारा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें जो छेना बॉल है वो 1 कप करके इसमें डालेंगे। एक साइड हम लोग राबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर दूध को तब तक बॉइल करेंगे जब तक वो अराउंड हाफ हो जाए। तब तक इसको हम लोग गर्म करते रहेंगे कम आँच पर। अभी ये शुगर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें एक एक करके सारे छेना बॉल डालेंगे। अब इसको थोड़ा ढक कर मीडियम आंच पर 15 मिनट्स को कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद हम लोग इस रसगुल्ले को थोड़ा पलट देंगे, सभी को एक एक करके हम लोग पलट देंगे। बाद फिर से इसको ढक के थोड़ा कुक करेंगे। मिल्क अभी बॉईल हो रहा है। 1/2 कप ऐड शुगर और इसको गाढ़ा करेंगे थोड़ा और। अभी इसमें 3 इलायची क्रश करके डाल देंगे, केसर डाल देंगे इसमें और इसको थोड़ा पकाएंगे। इधर हमारी ये रसगुल्ला रेडी है। आप चाहे तो इसको रसगुल्ला के जैसा भी यूज कर सकते हैं, पर इसको अभी हम लोग ठंडा होने देंगे, कंप्लीट कूल
पूरे अच्छे से ठंडा होने देंगे, तब तक इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। अगर आपको हलवाई जैसा येलो कलर चाहिए तो आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे ये केसर का ही कलर अच्छा है। लेकिन अगर आपको और येलो चाहिए तो आप इसमें एक या दो ड्रॉप फूड कलर डाल देंगे तो वो बहुत अच्छे से येलो कलर आ जाता है। यहाँ हमारा ये रेडी हो गया है रबड़ी, इसके अंदर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स हम लोग डाल दे रहे हैं, काजू पिस्ता बादाम, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। और इसको हम लोग ऑफ कर दिए हैं। रबड़ी जो है बहुत गाढ़ा नहीं बनाएंगे, नहीं तो इसमें जब हम लोग छेना बॉल डालेंगे तो वो पूरा ऑब्जर्व नहीं, तो इसलिए थोड़ा हम लोग इसको लिक्विड जैसा ही रखेंगे। अब एक बॉल में सिर्फ रसगुल्ले को हम लोग सेट करेंगे। रसमलाई में एक चीज ध्यान देने का होता है कि या तो रसगुल्ला या तो रसमलाई, दोनों में से एक कोई गर्म होना चाहिए। तो अभी हमारा रसगुल्ला ठंडा हो गया है और रसमलाई थोड़ा गर्म है, तो हम लोग इसलिए मैं इस रसगुल्ले को इसमें सेट कर रही हूँ, रस विदाउट रस। रसगुल्ले को प्रेस कर लेंगे और इधर सेट कर लेंगे और छेना रसमलाई को इसमें मिक्स कर देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। और इसको अभी ठंडा होने देंगे, या तो फ्रिज में रख सकते हैं या अगर ऐसे भी रख सकते हैं, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे।